मेरा नाम रितेश पांडे है, मैं अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूँ। ये जो प्रोग्राम एपिक इंडिया का हुआ है, इसमें सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए ये था कि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स पे, इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी एक संघर्ष चल रहा है उसके ऊपर भी, और उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, और भारत के ऊपर उस पर खासतौर से क्या प्रभाव रहेगा, और किस तरह से पूरा विश्व इसको रोकने की एक पहल कर रहा है, और उसमें भारत की क्या स्थिति रहेगी, क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में। और इसी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी पर भी एक बहुत ही अच्छा संवाद हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक सफल टूर रहा है। देश के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ यहाँ पे मिला है, जिसमें एक अच्छा संवाद हम लोकसभा या लोकसभा विधानसभा और उसके साथ साथ राज्यसभा में किया जा सकता है, जिसमें पॉलिसी लेवल पे क्या क्या शोध हो रहे हैं शिकागो यूनिवर्सिटी में, मैं उस पर जो है एक अच्छा यहाँ पे जो एक संवाद हुआ है और जो एक जानकारियाँ मिली है उसको और डिटेल में पढ़ाई करके उसके ऊपर हम लोग अपने रिस्पेक्टिव सदनों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ख़ासतौर से जो पब्लिक पॉलिसी या यूथ जो राजनीति में इंटरेस्टेड है, जो ग्रास रूट लेवल राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो विषय आज टेंजिबल नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उनको अपने क्षेत्रवासियों को, अपने वोटरों को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, उस पर ज़रूर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो लोग पॉलिसी पढ़ रहे हैं और उसको लेकर के आगे इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे और हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ अपना संवाद रखेंगे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ये ना इग्नोर करें कि खासतौर से जलवायु परिवर्तन के लिए कि ये एक एलीट इशू है, और एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी जैसे अंबेडकर नगर हो गई, तो उधर हम इनके दुष्प्रभाव को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ताकि वो एक राजनीतिक मुद्दा बने, तभी हम कोई एक अच्छा परिवर्तन देख सकते हैं।